गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9, तो मैं किचन में आ गई हूँ और मुझे बनाना है नाश्ता, क्योंकि बच्चे उठते ही बोलेंगे कि उनको नाश्ता चाहिए, तो फटाफट से नाश्ता बना लेते हैं। और नाश्ते में मैं क्या बनाने वाली हूँ, मैं बनाने वाली हूँ आलू के पराठे, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से आलू के पराठे नहीं बनाए हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी आलू के पराठे बना लेती हूँ। अभी सौंफ भिगोई थी, तो चले मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये सौंफ भिगोई थी, लेकिन ये मैंने नहीं भिगोई थी, ये बच्चों ने भिगोई और ये बच्चों ने इसी में भिगो ली। तो पहले मैं इसको ग्लास में डाल लेती हूँ। और अब इस ग्लास में ले लूंगी मैं चीनी। और अब इसमें मैं पानी मिला लूंगी और इसको घोल। तो ये जो चीनी है ये घुल गई है और इस पानी को मैं छान लेती हूँ, जो सौंफ वाला पानी है उसको छान लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने छान लिया है, और जो सौंफ होती है दोस्तों वो काफ़ी अच्छी होती है पेट के लिए और ठंडी भी होती है। तो कभी कभी मैं इसका पानी बना के दे देती हूँ सबको, और हम सब इस सौंफ का पानी पी लेते हैं। तो इसमें मैं एक गिलास, इसमें सौंफ का पानी था तो एक गिलास मैंने डाल दिया है, जो चीनी वाला पानी घोल के रखा था दो, और चार गिलास बना लूँगी मैं। और ठंडी होती है तो गर्मियों में तो पीनी ही चाहिए कभी कभी, तो मैं सौंफ काफ़ी लेके रख लेती हूँ और इसको यूज़ करती हूँ। और कई बार क्या है कि कई बार मैं ये जो रूह अफ़ज़ा है शरबत, इसको यूज़ करती हूँ, तो कभी मैं इसको इसका पानी हम बना के पी लेते हैं और कभी सौंफ का। और तो मैं थोड़ा एक बार इसको मिक्स कर लेती हूँ और गिलासों में डाल दूंगी। तो आजकल गर्मियाँ हैं तो लिक्विड चीज़ें पीनी ही चाहिए, आजकल अच्छी होती हैं। तो चलिए फिर पहले इसको पी लेते हैं, उसके बाद मैं नाश्ते की तैयारी करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है आलू, आलू मैंने पहले से उबाल के रख लिया था, ठंडा होने के बाद छील लिया। और इसमें मैंने डाला है लहसुन अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट, और मैंने थोड़ा सा हल्दी डाली है, नमक डाल के और मिक्स कर लिया। हल्दी मैंने इसमें थोड़ी कम ही डाली है, क्योंकि मुझे ज़्यादा पीला पीला सा जो आलू का मसाला होता है पसंद नहीं है। और आज मैं पराठे बनाने वाली हूँ इंडक्शन में। तो ये मैंने तवा गरम करने को रख लिया है और मैं पराठे सेक लूँगी यहाँ पे। आज मैं गैस पे नहीं इंडक्शन में पराठे बना रही हूँ, और पराठों को पहले मैं दोनों साइड से अच्छे से सेक लेती हूँ, उसके बाद ही मैं घी लगाती हूँ। क्योंकि अगर पहले ही घी लगा लो और फिर उसको अच्छे से पकाओ घी लगा के, तो धुआं ही धुआं उठता है। लेकिन अगर पहले पराठे को अच्छे से पहले सेक लो दोनों तरफ से, उसके बाद ही घी लगाओ, तो फिर जो धुआं है वो कम आता है। वैसे में घी काफ़ी जल जाता है अगर पहले ही लगा लिया तो, इसलिए पहले मैं दोनों तरफ से सेक लेती हूँ फिर घी लगाती हूँ। तो ये देखिए करारा सा पराठा सिक गया है, गर्मा गर्म पराठा। तो ये देखिए कुछ पराठे मैंने सेक लिए हैं, और गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा हो रही है, मुझे तो पता नहीं क्यों किचन में काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगती है। और क्या है कि किचन में खिड़की भी नहीं है, खिड़की होती तो थोड़ी हवा पास हो जाती, खिड़की नहीं है तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है। तो बस पराठे सिक गए हैं, और ये मैंने ले लिया है आम का अचार जो मैंने बनाया था, और ये दही, तो
तो बच्चों को अब कैसे भी खाना होगा तो खा लेंगे, चाहे अचार के साथ चाहे दही के साथ, आप भी खा लीजिए। ये दोपहर के 1 बज रहे हैं और मुझे करनी है लंच की तैयारी। मुझे लंच बनाना है और लंच में मैं बनाने वाली हूँ। चलिए आप खुद ही देख लीजिए कि मैं क्या बनाने वाली हूँ लंच में। तो यहाँ पे मैंने जो दूध है वो धो के, पहले हस्बैंड जब दूध लेके आए थे तो बाहरी दूध को धो लिया था अच्छे से, और किचन में लेके तो हम बाद में ही आते हैं धोने के बाद। जब अच्छे से धोने के बाद सर्फ से पहले धो लेते हैं थैली को। और ये आम भी लिए थे तो इनको भी अच्छे से वॉश कर लिया था। तो फिर मैं किचन में लेके आई, तो अब मुझे इनको रखना है फ्रिज में। नींबू भी हैं और यहाँ मैंने दूध गर्म करने को भी रख लिया है साइड में गैस पे, तो दूध भी गर्म होता रहेगा। और इधर मैंने चढ़ा ली है कढ़ाई, तो कढ़ाई में मैं डाल लूँगी ऑयल, और ऑयल मैंने थोड़ा ज़्यादा सा ही लिया है कि जो मैं बनाने वाली हूँ उसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही लगेगा। तो इसमें मैंने प्याज लिया है, तो प्याज को मैं मिनी चॉपर में चॉप कर लूँगी, और बस जल्दी से चॉप हो जाता है प्याज। ये मैंने गरम मसाला ऐड कर लिया है, जो खड़े मसाला होता है वो तो तेज पत्ता आज है नहीं, ख़त्म हो रखा है, तो बाकी का तो मैंने डाल लिया है मसाला, लेकिन तेज पत्ता तो है नहीं तो डाला नहीं है उस, और जीरा भी डाल लिया था तो प्याज डाला है। और अब मैं मिनी चॉपर में टमाटर को चॉप कर लूँगी। मिक्सी जार में अगर चॉप करते हैं तो प्योरी बन जाती है, लेकिन अगर मिनी चॉपर में करते हैं तो बिल्कुल बारीक हो जाता है, प्योरी नहीं बनती है, और सब्जी में डालो तो स्वादिष्ट सब्जी बनती है। प्योरी से ज़्यादा मेरे को ये वाला टमाटर अच्छा लगता है। तो ये देखिए चिकन डालने के बाद मैंने उसको भून लिया, और अब जो है कि इसका कलर चेंज हो गया है, चिकन का जो कलर है वो चेंज हो गया है, और इसने ऑयल भी छोड़ लिया है। तो इस तरह से अगर चिकन को भूनते हैं तो चिकन स्वादिष्ट बनता है। और अब मैंने लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल लिया है, पेस्ट डालकर इसको भून लूँगी। थोड़ा सा हल्दी इसमें ऐड कर लूँगी, और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनता है चिकन ऐसे में। और आज इस बार मैं काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ, तो ये देखिए कितने अच्छे से भुन गया है। वैसे हम ज़्यादातर चिकन को रात में ही बनाते हैं, लेकिन आज मैंने दिन में ही बना लिया है। चावल के साथ हम कम ही बनाते हैं, ज़्यादातर रोटी के साथ ही रात को बनाते हैं। और ये जो टमाटर चॉप किए थे ये भी इसमें ऐड कर लिया है, इसको मिक्स कर लूँगी और ढक लूँगी। तो ये टमाटर जो है वैसे तो बारीक हो ही रखा है, लेकिन फिर भी थोड़ा गल जाएगा, थोड़ा इसमें नमक ऐड कर लेती हूँ। तो मैं इसी तरह से चिकन बनाती हूँ, तरी वाला चिकन। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल ऑप्शन को भी जरूर दबाइएगा। तो ये चिकन जो है ढक लेती हूँ, और इधर मैंने चढ़ा लिए हैं चावल, तो चावल भी चढ़ा लेती हूँ, चावल भी पक जाएगा। फिर हो गया हमारा लंच तैयार, खीरे काट लूँगी, और बस मिलती हूँ आपको अपने अगले ब्लॉग में। बाय बाय।